हैं आपको, है ना, वहीं पर जाके दिखाएंगे कि कहाँ लेके आए हैं आपको लोग। बने रहिए और इंजॉय कीजिए, पहले कुछ खाते पीते हैं। बहुत लग फेमस जगह, फेमस जगह। और कभी दिल्ली आओ, एक दिन आपको कुतुब मीनार दिखाया था, कुतुब मीनार के बाद इंडिया गेट। देखो ये बैग है पीछे और हमारा। बच्चे भी आए हैं यहाँ पे घूमने अपने टीचरों के साथ में सारे, ये पिकनिक मनाने आए हैं बच्चे, पिकनिक मनाने। उनकी जरा याद करो, कितनी भीड़ है देखो। देखो कुतुब मीनार के बाद इंडिया गेट दिखा दिया आपको मैंने, और आगे कुछ और भी दिखाऊंगी, देखते रहिए आप लोग। हमें ये चीज दिखाओ, वो चीज दिखाओ, हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, है ना, चाहे हमें करना पड़े कुछ, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने ब्लॉग हमें ये चीज दिखाओ जो नहीं देख पाते हैं। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो, आशा करती हूँ सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत, और दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गेस्ट रूम से, और दिन में हो रही है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप लोगों को दिख रही हूँ रेडी हुए, और आज आपको फिर से कुछ नया कुछ दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को व्लॉग देखने में मज़ा आए और मुझे बनाने में मज़ा आए। तो ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं आपको कुछ नया कुछ सरप्राइज है आपके लिए, और बने रहिए आप लोग मेरे व्लॉग में। जहाँ के लिए मैं रेडी हूँ, जहाँ जा रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को खूब शेयर करना और सबको भेजना अपनों में। तो ठीक है दोस्तों, जाते हैं हम दोनों ही जाते हैं अक्सर, और थोड़ा घूम के भी आते हैं, एंजॉय भी करके आते हैं, और आप लोगों को भी मस्ती दिखाते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अनिता भी रेडी है, वहाँ से अनिता को लेती हूँ और आपको मिलाती हूँ, और चलते हैं दोनों, और आज की मौज मस्ती भी पूरी आपके साथ शेयर होगी और दिनों की तरह। ठीक है दोस्तों, जय श्री मल्ला राय। दोस्तों ले आए आपको एक नई जगह, आज दिखाते हैं आपको, है ना, वहीं पर जाके दिखाएंगे कि कहाँ लेके आए हैं आपको। और दोनों ही आए हैं मस्त मौला, तीसरा हमारे साथ कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, और तो एंजॉय मस्ती करते हैं, वही मस्ती आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए, पहले कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है हमें। तो दोस्तों चलते हैं, हो गई है पेट पूजा, पेट पूजा, और पहुंच गए अपने पहले ढीले थे लोकेशन पे, पेट खाली था ढीले थे, जो देखने आए हैं और आपको भी दिखाते हैं। हो गई है पेट पूजा हमारे, क्या दिखाने आए हैं हम, मस्ती। आज हम दिखाएंगे अपने दिल्ली का, इंडिया के आप लोगों को फेमस जगह, फेमस जगह हमारी दिल्ली की। और कभी दिल्ली आओ, एक दिन आपको कुतुब मीनार दिखाया था, कुतुब मीनार के बाद इंडिया गेट जरूर आना। आज इंडिया गेट दिखाएंगे, आज इंडिया गेट दिखाते हैं, और यहाँ की रौनक दिखाते हैं, यहाँ की चहल पहल दिखाते हैं, यहाँ की भीड़ भाग का दिखाते हैं, कितने लोग हैं, और थोड़ी बहुत इंडिया गेट के बारे में को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले टिकट लेते हैं हम, सब जगह टिकट है, इतना मैं आपको बता दूँ कंफर्म करके कि कहीं भी जाओ तो टिकट पहले लेना, उसके बाद अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो ये बात, बिना टिकट के कोई नहीं जाने। देखो दोस्तों ये है इंडिया गेट, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। दिल्ली का इंडिया गेट फेमस, हमारा इंडिया गेट, हमारा इंडिया का इंडिया गेट, आई लव माय इंडिया, इंडिया का इंडिया गेट। हरी भरी दिल्ली फिर से दिखा रही हूँ आपको, सब जगह हरियाली है। इसके अंदर का है देखिए, अंदर नहीं घुसने देते, इसके बाहर से देखो बस जितना। दोस्तों पहले ना यहाँ पर अमर ज्योति थी, अब वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, और यहाँ पे ना जो शहीद हुए हैं उनके सबके नाम भी अंकित हैं। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ का दिखा रही हूँ मैं आपको, ऊपर पे हाथ भी तो, ये देखिए। देखो ये बैग है पीछे, और शहीद हुए ना उनके नाम सबके नाम अंकित है यहाँ पर, मैंने बलिदान दिया था और मैंने आपको बताया कि अमर ज्योति जी था यहाँ पर, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने शिफ्ट करवाई। मस्त
और आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भीड़ देखो, देखने वालों की देखो, पता कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, सारे लोग इंडिया गए देखने के लिए। पनिशमेंट मिली है इसने, कुछ किया पंगा ना। देखो दोस्तों, इसने कुछ किया होगा ना, तो इससे पनिशमेंट मिल रही है। कान पकड़ के अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे को पनिशमेंट मिल रही थी, और वो पनिशमेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि इसने जो यहाँ पे खंभे थे और जो जंजीरें लगी हुई ना, उनको पैर से टच किया था। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक शहीदों का स्थल है और ये स्मारक है। तो यहाँ पे मतलब नमन करने के बजाय उसने पैर से टच किया था, तो उसने अंदर बुला के पनिशमेंट दिया है। और कितने लोगों को ऐसी दे दिया पहले भी, और अब मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा सा आपको दिखाया है, उसे भी इसी सिलसिले में पनिशमेंट मिली है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी अगर यहाँ पर आएँ तो ना टच करें, ना पैरों से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसके लिए यही सजा है। देख लिया आपने, बिल्कुल हमने आपको लाइव दिखाया है, लाइव सजा दिखाई है आपको। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पर, उन रूल्स को आप लोग जरूर फॉलो करें। तो हमने भी देखा और हम आपको भी दिखाया, यही हाल होगा, क्योंकि वाकई ये शहीदों का स्मारक का स्थल है। यहाँ पे उनके नाम को ना अंकित किया गया है, जो लोग शहीद हुए थे यहाँ पे उनके सभी के नामों को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों करना है, तो उससे पनिशमेंट अभी तक मिल ही रही है। हम लोग तो आगे आ गए हैं, तो वहीं पर ही है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। ये मैंने आपको सूचित किया अपने ब्लॉग के माध्यम से, जरूर देखें और आगे को शेयर भी करें। ऐसी बातों को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, ऐसी गलती मत करें। दोस्तों बैक का है, मैंने आपको फ्रंट का दिखाया था, अभी बैक का दिखा रही हूँ, जहाँ पर उसे पनिशमेंट मिली थी। और इतनी भीड़ है देखने वालों की, देखिए बहुत फेमस जगह है इंडिया गेट, और दुनिया आती है यहाँ से, मैंने कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, बाहर के भी। ये देखिए चारों तरफ भीड़, देखिए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अपने नेताजी, हमारे देश के नेताजी के में सुभाष चंद्र बोस, देखिए उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर अंकित है। इंडिया गेट के बिल्कुल बैक साइड में है ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ना ये दिख रही है, देखो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी अंकित है, ये देखिए नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। बच्चे भी आए हैं यहाँ पर घूमने अपने टीचरों के साथ में सारे, ये पिकनिक मनाने आए हैं बच्चे, पिकनिक मनाने। अच्छा वो देखो, सुना दो आज भी, जब तक सुनाओगे नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा देखने में लोगों को। आज सुस्ती है ना। हाँ स्कूल के बच्चे, स्कूल के पिकनिक मना के आ रहे हो क्या? हाँ। कहाँ से आए हो आप लोग? हम इंदौर से, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। माय गॉड, इंदौर से आए हो? ओहो, देखो दोस्तों ये लोग इंदौर से आए हुए हैं हमारा इंडिया गेट देखने के लिए दिल्ली का। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा, मजा आया। और कहाँ कहाँ गए अभी इंडिया गेट? और एक गाना सुना देश के लिए, देश के लिए गाना सुना। चलो एक जल्दी बोलो कुछ, यूट्यूब में छाओगे आप। देश के, हाँ बोलो बोलो। वतन में भर लो उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू सो मच। दोस्तों देखो स्कूल के बच्चे हैं, और इन्होंने अपने शहीद जो भी यहाँ पे शहीद हुए थे उनके लिए दो शब्दों में अपने गाने के साथ गाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपने उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, तो यही यहाँ पे होना चाहिए, सबको नमन करना चाहिए, तो इन लोगों ने करा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमें इन लोगों से मिला ना, बहुत खुशी, ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाला भविष्य। आज अभी लोग इंडिया गेट देखना ही नहीं, बहुत पसंद आया, और इंदौर से आए हैं लोग। फोटो खींचो, चलो।
अभी स्कूल के बच्चे मिले हमें, आपको अच्छा लगा उनसे मिले, बहुत मतलब एक अंदर से अलग सी खुशी हुई कि बच्चे मिले और वो हमारे साथ, और उन्होंने गाना हमारे कहने पे हमने उनको बोला कि जो यहाँ पर शहीद है उन जवानों के लिए थोड़ा सा दो शब्द गाओ, तो उन्होंने गाया और इतना अच्छा गाया मतलब देशभक्त, हाँ, और वो लोग भी हमें देख के इतने खुश हुए ना, हमारे साथ फोटो भी खिंचाई और हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए वो, है ना, अच्छा लगा ना नीता, खुश हो गए बच्चे भी, खुश हो गए, हमारा मूड थोड़ा सा वो था, लेकिन अब हम लोग भी खुश हो गए ना देख के, है ना, तो इसी खुशी में आप भी गा लो थोड़ा सा कुछ। ये दुनिया दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India। बहुत बढ़िया, तो फिर से हरियाली देखो, हमारी दिल्ली की हरियाली, हर जगह हरियाली है, सही में हरियाली दिखा रहे हैं, ये मत सोचना कि दिल्ली में गर्मी है, ये है वो है, बहुत हरियाली है दिल्ली में, दुनिया आ रही है, बताओ इंदौर से आए हो लोग, ये देखिए दूर से इंडिया गेट हमारा, आई लव माय इंडिया, बहुत प्यारा हमारा इंडिया, बहुत प्यारा, परम युद्ध योद्धा स्थल, ये देखिए बहुत सुंदर जगह, जरूर आइए यहाँ देखने के लिए, ये हमारे घर भी है, पेड़ वाला फूल का, ये देखो इंडिया गेट के बगल में बिल्कुल सूर्य देवता है हमारे, देखिए इंडिया, देखो बैग में भी सारे नाम सही रहे, और फ्रंट में मैंने आपको दिखाया, साइडों में भी दिखाया, तो सारी जगह अंकित किए हुए हैं नाम, देखिए भीड़ है यहाँ पे, कितनी भीड़ है, देखो देखो ये देखो दोस्तों, अरे चारों तरफ भीड़ है, अभी लाइटिंग जलेगी ना तो और सुंदर लगेगा यहाँ पे, लाइटिंग होती है शाम, ये देखिए रोशनी है, अब तो यहाँ पे बिल्कुल वो कर दिया, ना बहुत चलती थी वो भी नहीं चलती है, ये देखिए ये भी फुहारा भी बंद है, कैप्टस हरा हरा कैप्टस, भाई सब चीज के फूलों के लिए गाती हो आप, बाहरों के लिए गाती हो, तो पानी के लिए तो कुछ बनता है, और क्या और क्या, ओ बहुत बढ़िया, सुरीली आवाज में बहुत अच्छे अच्छे गाने, और मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए आप भी, मैं भी करती हूँ आप भी की, और नई नई चीज़ें आपको दिखा दी आज मैंने, फिर कुतुब मीनार के बाद इंडिया गेट दिखा दिया आपको मैंने, और आगे कुछ और भी दिखाऊंगी, देखते रहिए आप लोग, जो बेचारे नहीं आ सकते ना यहाँ तक, वो मेरे ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे, ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे, और फरमाइश से कह रहे कि हमें ये चीज़ दिखाओ वो चीज़ दिखाओ, हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, है ना, चाहे हमें करना पड़े कुछ, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने ब्लॉग जी दिखाओ, जो नहीं देख पाते हैं वही करेंगे, ये देखो दोस्तों हम इंडिया के ना बिल्कुल बैक में है इस समय, हल्के हल्का हल्का सा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, हरियाली है चारों तरफ, लोग हैं, भीड़ भड़ाका वाला एरिया है मस्त एकदम, ये देखिए दुनिया वाले वेरी बैड, दुनिया वाले वेरी बैड, वेरी बैड, आगे वेरी गुड, वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, वेरी गुड, फूल के ऊपर गाओ, फूल के ऊपर, फूल तो मैं कह रहे कि हमारे लिए भी कुछ गाओ, सुंदर से फूल दिख रहे हैं, अच्छा ये मैं किसी के लिए डेलीगेट कर रही हूँ गाना, जो सुनेगा वो समझ जाएगा, ओह माय गॉड, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा, तो अभी मैंने आपको इंडिया गेट दिखाया और आपको
दिखाती हूँ अमर ज्योति, जो मैंने आपको बताया कि दूसरे का शिफ्ट कर दिया है तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर हम देखते हैं तो आपको भी दिखाते हैं, अगर हमको देखने को मिलती है तो आपको भी ज़रूर दिखाते हैं। हम लोग फिलहाल वहीं जा रहे हैं देखने के लिए। और इंडिया गेट मैंने आपको दिखाया, वहाँ का बैकग्राउंड भी, फ्रंट राउंड भी, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सब आपके साथ शेयर किया है। और आप जाते हैं अमर ज्योति देखने के लिए, वो पहले यहीं पर ही थी, अभी की है वो, जब दूसरी जगह शिफ्ट की है, ठीक है। तो वही देखने जा रहे हैं हम कि कहाँ पे है। देखिए डीडी चल श्रद्धांजलि अर्पित, देखो इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़े बड़े पेड़ों में, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत सुंदर। देखो दोस्तों बहुत सुंदर जगह है ये। देखो दोस्तों जहाँ पे अमर ज्योति ने, वहाँ पर आ गए हम लोग और वहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी तक मैंने आपको इंडिया गेट का दिखाया था, अब मैं अमर ज्योति के पास में आई हूँ, वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ और अमर ज्योति भी आपको दिखाती हूँ। देखो ब्लॉग के माध्यम से देखें आप मेरी, ये देखिए जो मैंने बताया था आपको, इतना सुंदर लोकेशन, इतनी सुंदर फुलवारी, इतनी सुंदर हरियाली हमारी राजधानी में। यहाँ आके मन थोड़ा शांत, हाँ थोड़ा सा शहीदों की याद भी आ जाती है और थोड़ा दुख सा भी होता है। और पहले तो इंडिया गेट पे जो नाम अंकित है उनको देख के बड़ा दिल दुखा, इसके बाद अमर ज्योति देखने के लिए आए हैं तो होता ही है। चलो कम से कम इस बार हम लोगों ने उनको याद किया ना, नहीं था हमने उन्हें याद किया यहाँ पर आके। आप लोग भी देख के उनके नाम की श्रद्धांजलि, और बच्चों ने देखो इतना अच्छा, मतलब उन लोगों के दिल में इतनी वो है जागरूकता की, मतलब उन लोगों के लिए देखो दो शब्द उन्होंने गाने भी गाए उन्होंने वहाँ पे शहीद के ऊपर। देखो कितने सुंदर पानी एकदम, हाँ ये पानी बिल्कुल क्लीन, देखो दोस्तों कितना क्लीन पानी है ये, सुंदर सा बिल्कुल। पहुँच गए हम फाइनली उस जगह पे और मैं दिखाती हूँ आपको, देखो अमर जवान की अमर ज्योत, ये देखो दिखाती हूँ आपको। देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों अमर ज्योत जो मैंने आपको दिखा दी अपने ब्लॉग के माध्यम से, और ये परमानेंट रात दिन 24 घंटे ज्योत ऐसी चलती रहती है। उस वहाँ पर लिखा भी अमर जवान करके, देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग ये, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है इसके बारे में। सर की लड़ाई देखिए, ऊपर लिखिए ना, ये देखिए तिथवाल की लड़ाई। पहले ये अमर ज्योत दिख रही है जहाँ पे अमर ज्योत जली हुई है, और उसके बाद सुभाष चंद्र की फोटो दिखाई दे रही है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और सामने इंडिया गेट, तीनों बिल्कुल सामने है, ये बैक में है, पहले इंडिया गेट है उसके बाद सुभाष चंद्र जी की फोटो है और फिर अमर ज्योत जली हुई है। ये देखिए पीछे, ये तीनों बिल्कुल एक साथ हैं, किसी को पता ना चले तो ये है। देखिए अमर ज्योत भी मैंने आपको दिखा दी, पहले वहीं पर ही थी इंडिया गेट की यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। ये देखिए रक्षक बैठे हैं, रक्षक इतना सुंदर जगह है, वहाँ भी सारे नाम अंकित हैं। ये देखिए, ये देखिए वो वहाँ का अंकित आज कौवा बैठा हुआ है। दोस्तों दिखाया मैंने आज अपने ब्लॉग में आपको सारा कुछ, दिल्ली का फेमस इंडिया गेट, और आपने देखा मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको कैसा लगा और क्या चीज़ आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्या पसंद आया, बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, लिखना। और कभी मौका मिले तो ज़रूर दिल्ली में आइए, यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह हैं, घूमिए। इंडिया गेट बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो उसके बाद आए घर, घर आके अपना काम किया, खाना पीना खा पी के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, थकान भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि थक गए हैं, काफ़ी घूमे थे। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे रखती हूँ, कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज़ मेरे व्लॉगों को लाइक करें।
शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करते हैं पर एंड। जय श्रीमन्नारायण।